आज हमारे साथ मौजूद है अमरोहा नगर पालिका परिषद के चेयरमैन डॉक्टर अफसर परवेज। उनके कार्यकाल को 2.5 साल पूरे हो चुके हैं। उनके इस 2.5 साल के कार्यकाल में शहर में कितने विकास कार्य किए गए, इस बारे में हमने उनसे बात की। आइए जानते हैं वह क्या कहते हैं। जी अफसर परवेज जी, बताएं कि आपके कार्यकाल को 2.5 साल हो चुके हैं अब तक आपको चेयरमैन बने हुए, आपके द्वारा क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्य किए जा चुके हैं? देखिए, अभी 16 जनवरी को मुझे पूरे 2.5 साल हुए हैं और विकास कार्यों की जहाँ तक बात की जाए तो इतने कम वक्त में उन सबको बताना तो मुश्किल है जी। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि शहर बहुत समस्याओं से जूझ रहा था। जल निकासी के नाम पर, जल भराव के नाम पर दुनिया भर में बदनाम इस शहर को किया गया था या हो चुका था। जो हमारे मोहल्लों की नई आबादियाँ हैं, उन आबादियों तक जो सेवाएं नगरपालिका से पहुंचनी चाहिए थी, सड़क के माध्यम से, पानी के माध्यम से, स्ट्रीट लाइट के माध्यम से, वो उससे वंचित थे। हमने अपने इलेक्शन में वादा किया था कि किसी मखसूस जगह का या सड़क का नाम लेकर हमने कोई वादा नहीं किया था, लेकिन इतना ज़रूर वादा किया था कि आवाम को ये एहसास कराने की कोशिश की जाएगी और ये मेरी जिम्मेदारी होगी कि आवाम ये महसूस करे कि हमने जो फैसला लिया है वो सही लिया है, फैसला गलत नहीं है। उस टैक्स को घटाकर, पहले 15% हाउस टैक्स था, 15% वाटर टैक्स था जी। और एक बड़ी तादाद में पैसा नगरपालिका का पब्लिक पर, तकरीबन 4 करोड़ के करीब हमारा पैसा जो है पब्लिक के पास नगरपालिका का ड्यूज की शक्ल में है आज की डेट में भी। तो अल्लाह का शुक्र है कि बोझ जो है वो अब 2014-15 में जो जिन लोगों पर टैक्स आएगा वो, अगर किसी का 500 रुपये था तब 250 रुपये आएगा। ये एक बहुत बड़ा हमारी नगरपालिका परिवार की तरफ से तोहफा है शहर के लिए। जल भराव अमरोहा की सबसे बड़ी समस्या थी और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अमरोहा में ढिंदू कॉलेज डिग्री कॉलेज है, वहाँ पर जल भराव रहता था, हर वक्त रहता था, चाहे बरसात हो या ना हो। लेकिन आपने वहाँ की समस्या सॉल्व की है, अब जल भराव की समस्या वहाँ पर नहीं, पूरे शहर में ही नहीं है। इस जल भराव की समस्या को ख़त्म करने के लिए आपने जो कोशिश की, आपके सामने क्या दिक्कत आई? ये सबसे बड़ी बात तो यह है कि सरकार, जो हमारी सरकार है, जो विकास के लिए जानी जाती है, सरकार ने हमें इस काम को करने के लिए पैसा दिया जी, जो हमें विकास करा पा रहे हैं जी। जो चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ती हैं, जो नगर पालिकाओं को सेंट्रल गवर्नमेंट से जो मदद आती है, उसमें जल निकासी भी एक पॉइंट होता है। और किसी भी समस्या का जब गहराई से हम जायज़ा नहीं लेंगे, किसी भी परेशानी को हम महसूस उस तरह से नहीं करेंगे जिस तरह से करना चाहिए, तो उसका समाधान भी उस तरह से नहीं हो सकता जिस तरह से होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ पर काफ़ी कॉलेजेस हैं जी। और जिस तरह की परेशानी से वो तलबा जूझे हैं जी। मैं उसको महसूस करता रहा हूँ, वो टीस मुझे भी होती रही है जी। और यही वजह थी कि उस पर हमारा एक बहुत बड़े पैमाने पर वर्क हुआ और अल्लाह का शुक्र है कि जिस पोर्शन को हम ये कह के आगे बढ़ जाते थे कि भाई शहर कटोरा हो गया है जी। या यहाँ की जल निकासी या यहाँ पे जल भराव की समस्या से का समाधान नहीं हो सकता जी। तो मैं समझता हूँ कि वो बात गलत साबित हुई और अल्लाह का शुक्र है आज आप जाके देख सकते हैं, अभी उसमें काफ़ी काम बाकी भी है। उसमें ग्रिल लगनी है, लाइट पोल्स लगने हैं, लाइट्स लगनी है और वो सड़क, अब मैं समझता हूँ अमरोहा की सबसे अच्छी सड़क देखी जा रही है। और जो बच्चों को जो तलबा को परेशानी थी और आवाम को शहर, क्योंकि वो शहर का एक अहम स्पॉट है, कॉलेजेस होने की वजह से ज़्यादा और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जी, जी। लेकिन वैसे भी शहर से इधर से उधर जाने के लिए ख़ास तौर पर वो मेन रोड था, उन्होंने उसके दोनों साइड नाले बनाए हैं। जब वहाँ पर नाला ही नहीं था तो पानी तो सड़क पर रहना ही था, जहाँ गहराई उसमें दखल थी वहाँ पर नाला ना होना भी, कॉलेज साइड पे भी नाला नहीं था और कॉलेज के सामने जो नाला था वो भी बंद था। अभी हम और अभी तकरीबन 3 करोड़ रुपए के नाले बनाने जा रहे हैं जिससे वहाँ की निकासी को और भी ज़्यादा बल मिलेगा जी। जो हम प्रेम कला लैब से और पीछे बाईपास तक नाले बनाने जा रहे हैं और इसकी कनेक्टिविटी भी सोत से ही कर रहे हैं जी। क्योंकि हमारे पास अभी बड़ा जो माध्यम है वो सोत है, खुशक है, वो भी काफ़ी नैरो होती जा रही है और राम तलाव है। अभी शहर की आबादी के हिसाब से जो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा है, अब पहले आबादी कम थी, तालाब काफ़ी थे तो परेशानी नहीं थी, अब तालाब ना के बराबर हैं और आबादी या पानी का इस्तेमाल बढ़ा है, ये भी हमारे लिए एक बहुत अहम पहलू है। अब तक जितने भी चेयरमैन बने हैं उन्होंने जल भराव की समस्या के निस्तारण के लिए उस पर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की है, सिर्फ वोट मांगने की बात कही है उन लोगों ने और जल भराव की समस्या से निजात दिलाने की बात की थी, सिर्फ उस पर राजनीति करने की बात की। आपके कार्यकाल में जल भराव की समस्या का निस्तारण हुआ है, इस जल भराव की समस्या के निस्तारण करने के लिए आपके सामने क्या क्या दिक्कतें आपको देखने के लिए मिली?
देखिए, जब कोई भी काम होता है, जब कोई नया काम होता है तो पुराने को डिमोलिश किया जाता है। नया मकान बनता है तो पुराना डिमोलिश होता है, और जब डिमोलिश होता है तो आसपास भी उसका कूड़ा भी होता है, उसकी मलबा भी होता है, वो तमाम दिक्कतें तो हर अच्छे काम करने में आती हैं। लेकिन ये दिक्कतों को हम जिस तरह से ऑपरेशन के लिए चीरा ज़रूरी है, तो उस चीरे से हम लोग अगर घबराएं या परेशान हों तो हमें जो आगे मिलने वाला आराम है, जो हमें तकलीफ़ से राहत मिलने की बात है, वो हम नहीं सोच सकते। तो इसलिए जो हर अच्छे काम में या किसी भी काम को करने में कुछ दिक्कतें आती हैं, और जहाँ तक मैं पिछली कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारे सब अपने हैं, और जो हमने कर लिया इसका हम शुक्र अदा करेंगे, और जो हम चाहते हैं अल्लाह ताला उसमें हमारी मदद फरमाएगा। क्योंकि शहर में आप देखते थे, जैसे आपके शहनाई और सना माधो पैलेस के पास मुस्तकिल जल भराव रहता था। हद ये कि वहाँ पर एक दुकान खुली थी सेलिब्रेशन के नाम से, मिठाई की दुकान खुली थी, वो दुकान भी शायद उस सड़क का ही की शिकार हुई, और क्योंकि पानी भरा रहता था, कस्टमर वहाँ तक पहुँच नहीं पाते थे। तो आप अब देखें जाकर कि वहाँ पर जो है किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ जो अंबेडकर पार्क है, यहाँ पर हमें मटपम लगाकर पानी डाइवर्ट करना पड़ता था। जामा मस्जिद एक ऐसा अहम जगह है हमारे लिए, वहाँ पर हमें आम दिनों में बरसात से अलग हर जुमे को एक मटपम और 5-6 कर्मचारी हमारे हर नमाज के वक्त मुस्तैदी से खड़े रहते थे, कहीं पानी ओवरफ्लो ना हो जाए और कहीं नमाजियों को नापाकी से न जूझना पड़ जाए। तो उस समस्या का मुकम्मल समाधान कर दिया गया। हमने जामा मस्जिद से एक नाला शाह विलायत साहब के गेट के सामने से निकाला है, और तमाम पानी यहाँ पर नीचे होने की वजह से आसपास का तमाम पानी वहाँ पर आता था। लेकिन आपको मैं खुशी की बात ये बता दूँ कि अब वहाँ पर सट्टी की साइड पर हमें पानी की डोले बनानी पड़ती थी मट्टी की, ताकि पानी जो है नाली से बाहर ना आ जाए। आप जाकर वहाँ पर देखें और आपको ये लगेगा कि वाकई में जो मुकम्मल और हकीकी हल है वो वहाँ पर हुआ है। और आगे भी हमारा अब इस नाली, उसके अपोजिट साइड में भी नाला बनाने जा रहे हैं, अभी 2-4 दिन में काम शुरू होने जा रहा है वहाँ पर भी। जामा मस्जिद के जो नौगाजा रोड है उस पर एक साइड तो नाला हमने बना लिया है, लेकिन उसकी अपोजिट साइड पर भी हमारा नाला बनने जा रहा है, उसका भी काम शुरू होने वाला है, और काफ़ी नाले ऐसे हैं जो अभी हम बनाने जा रहे हैं। तो देखिए, जब समस्या का समाधान करने की बात आती है तो उसके लिए पैसा भी ज़रूरी होता है, उसके लिए प्लानिंग भी ज़रूरी होती है, और साथ ही उसके लिए फिक्रमंद होना भी ज़रूरी होता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि आवाम ने मुझे बहुत बड़ी ताकत दी है, और इस ताकत का इस्तेमाल आवाम पर ही अगर ना होगा तो ये हक तलफी होगी, और जो कि मुझे नुकसान का बाइस होना पड़ेगा, मुझे नुकसान उठाना पड़ेगा उसका। हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आवाम से ये कहूँगा कि अपनी सेहत का ख्याल रखें जी, क्योंकि सेहत हज़ार नेमत है जी। और सेहत के लिए ज़रूरी है हम सफाई का खास ख्याल रखें जी, और सफाई हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम पहलू है जिस पर हमारी बहुत कम निगाह रहती है। तो मैं आवाम से ही कहना चाहूँगा कि नगर पालिका परिषद आपके लिए है, आपको सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए हैं और समस्याओं के समाधान के लिए हैं। अगर कोई भी समस्या आपको आती है किसी तरह की भी, तो नगर पालिका 10 बजे से 5 बजे तक खुलती है, वरना मेरा 24 घंटे मेरा मोबाइल ऑन रहता है। अगर कोई भी समस्या है उसका मैसेज मुझे कर दें, उसका समाधान किया जाएगा। हमने एक स्लाटर हाउस जो हमारे यहाँ 5 बीघे ज़मीन में माना जाता रहा है, सिर्फ उसकी बाउंड्री थी और एक छोटा सा एक कमरा बना हुआ था वहाँ पर, हमने उसको साधन संपन्न कर दिया। वहाँ पर टीन शेड डाल दिया, वहाँ पर हमने लाइट के लिए 5 किलोवाट का ट्रांसफार्मर स्थापित करा दिया, ब्लड के लिए स्टोर करने के लिए और उसको इकट्ठा करने के लिए हमने टैंक बना दिया ज़मीन में, पानी की सप्लाई, समरसिविल प्लेटफॉर्म्स आया के तमाम सुविधाएं वहाँ पर हमने प्रोवाइड कर दी हैं। मैं अपने तमाम भाइयों से, उन लोगों से ये कहना चाहूँगा कि उस सुविधाओं का वहाँ फ़ायदा उठाएं, क्योंकि लगातार हमारे पास शासन से भी और DM साहब के माध्यम से भी लगातार इस पर सख्ती करने की बातें आती हैं। लेकिन हमारा मानना यह है कि हमने एक बार मीटिंग भी की थी अपने भाइयों की जो इससे मुतालिक हैं, कि इसको आप हमारे सहयोग के तौर पे हमें इस्तेमाल कीजिए। मैं ये कहना चाहूँगा, DM साहब से जब भी मैं मिला हूँ, उन्होंने इस पर काफ़ी नाराज़गी भी जताई है इस बात को लेकर कि भाई जो घरों में अवैध कटान किए जा रहे हैं, इसकी इससे थोड़ा शहर में गंदगी का भी हो रहा है, परेशानी पैदा हो रही है। और मैं समझता हूँ कि अगरचे ये सब रुक जाए, हमारे भाई इस बात को महसूस कर लें कि ये शहर हमारा है, उनका है, और इसकी अच्छाई या बुराई भी हमसे जुड़ती है। अगर कोई अमरोहा को कुछ कहता तो वो सीधे हमारे दिल पर लगने वाली चोट है, तो इसलिए वो हमारा सहयोग करें। हमने शुरू से ही मीटिंग भी पहली बार शायद उनकी कभी किसी ने बुलाई होगी, हमने मीटिंग बुलाकर उन लोगों को ये बताया कि हम सलाटर हाउस पर काम करा रहे हैं, और वहाँ पर जो भी सुविधाएं मैं समझता हूँ ज़रूरी थी तकरीबन कर ली गई हैं। हमने कोशिश करके लाइट का पूरा बंदोबस्त कर दिया गया, केबल नहीं बल्कि हमने ट्रांसफार्मर स्थापित करा दिया वहाँ पर।
तो ये तमाम चीजें देने के बाद भी अगर शहर में इस जरिए से गंदगी हो तो हमारे लिए सोचने का विषय है। तो सबसे मैं गुजारिश करूंगा अपने इस कारोबार से जुड़े हुए तमाम साथियों से कि वो हमारे इस कार्य को सफल बनाने में हमारी मदद करें। हम उनसे मदद चाहते हैं और मदद करेंगे तो उनके उनको भी बहुत फायदा पहुंचेगा। ये थे नगर पालिका परिषद के चेयरमैन डॉक्टर अफसर परवेज, जो कि दावा कर रहे हैं कि शहर की आवाम का और शहर का विकास करना ही उनका मकसद है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद मशकूर के साथ आशिकीन कुरैशी, JPN।